हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग पढ़ेंगे हैज़ हैव का यूज़, कैसे सेंटेंस में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हैज़ के बारे में जानते हैं कि कहाँ लगाना होता है इसे। हैज़ इज़ यूज्ड विथ नेम ऑफ अ पर्सन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब हैज़ का यूज़ किया जाएगा ही, सी, इट और नेम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर एनिमल के साथ और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़ हैव का जनरली यूज़ होता है पास के अर्थ में। जैसे इसका नाम ज्योति है, ज्योति के पास पेट डॉग है। ठीक है, तो ज्योति हैज़ लग जाएगा क्योंकि ज्योति एक नाम है, तो नेम ऑफ पर्सन के साथ हैज़ लगता है और उसे सिंगुलर भी होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है। तो ज्योति हैज़ से पेट डॉग हो जाएगा। ओके, और अगर हमें ये कहना है कि ज्योति के पास कैट नहीं है, ठीक है, यहाँ मैं नेगेटिव सेंटेंस भी आपको बता रही हूँ इसी से कि ज्योति के पास कैट नहीं है, ज्योति के पास तो डॉग है, तो क्या हो जाएगा, ज्योति हैज़ नॉट अ कैट, ज्योति के पास कैट नहीं है। तो अब ये पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठियाँ लेटर बांटता है ना, और उसके पास एक बैग भी होता है, थैला होता है जिसमें लेटर्स रहते हैं, चिट्ठियाँ रहती हैं। तो द पोस्टमैन हैज़ अ बैग, पोस्टमैन के पास एक बैग है, हैज़ लग जाएगा। अब अगर कहना हो पोस्टमैन के पास किताब नहीं है, तो द पोस्टमैन हैज़ नॉट अ बुक, द पोस्टमैन हैज़ अ बैग, द पोस्टमैन हैज़ नॉट अ बुक, और पोस्टमैन के पास बुक किताब नहीं है। अब हम ये भी जानते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी हैज़ का यूज़ होता है, जैसे ही, सी, इट के साथ हैज़ का यूज़ होता है। अब जैसे उसके पास टेडी बियर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे सी हैज़ अ टेडी बियर। उसके पास कार नहीं है, तो सी हैज़ नॉट अ कार, उसके पास टेडी बियर, उसके पास कार नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सी हैज़ नॉट अ कार। अब ज़रा इस सेंटेंस को देखिए और इस फोटो को देखिए। ये है टीचर और इसका नाम है चंदू, ठीक है, और टीचर के पास क्या है, बुक। तो हम लिखेंगे द टीचर हैज़ अ बुक, एंड लगाएंगे। मैंने कंजंक्शन के बारे में बताया है, एंड बट और के बारे में है ना, वीडियो में मैंने डाला हुआ है, इसे आई बटन पर डाल दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। और फिर चंदू, इसका नाम चंदू है, तो चंदू हैज अ स्कूल बैग, द टीचर हैज अ बुक एंड चंदू हैज अ स्कूल बैग, चंदू के पास स्कूल बैग है, टीचर के पास बुक है। अब जैसे देखिए, ये है मिस्टर श्याम और मिस्टर श्याम के पास एक कार है, तो हम लिखेंगे मिस्टर श्याम हैज अ बिग कार, बड़ी कार है, केवल कार ही नहीं है, बड़ी कार है, मिस्टर श्याम के पास बड़ी कार है, तो मिस्टर श्याम हैज अ बिग कार। और अगर हम कहें मिस्टर श्याम के पास बाइक नहीं है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम मिस्टर श्याम हैज़ नॉट अ बाइक। इस तरह हमने हैज़ से रिलेटेड सेंटेंस बना लिए। अब चलिए अब हैव का यूज़ देखते हैं। तो हम हैव का यूज़ करते हैं प्लूरल प्रोनाउन के साथ, दे, यू, वी, इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यानी कि आई, यू, और फिर एनिमल्स के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो चलिए अब वैसे सेंटेंस देखते हैं जहाँ हैव का यूज़ होता है। जैसे ये बॉय बोल रहा है कि मेरे पास गुलाब है, तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, आई हैव लगाएंगे, ठीक है, हैज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है। ओके, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव अ रोज। ओके, अब ये कह रहा है कि मेरे पास कमल नहीं है, मेरे पास गुलाब है, मेरे पास कमल नहीं है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट अ लोटस। ओके, आई हैव नॉट अ लोटस। अब जैसे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैव का यूज़ होता है, ये मैंने बताया है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास एक बॉल है, तो हम कैसे लिखेंगे, वी हैव अ बॉल, वी मीन्स हम लोग होता है, तो वी हैव अ बॉल। और अगर ये लोग कहें हम लोगों के पास बैट नहीं है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे वी हैव नॉट अ बैट। अब जैसे अगर मैं कह रही हूँ तुम्हारे पास एक लाल बाइक है, ठीक है, तो तुम्हारे पास,
ठीक है। और हाँ एक चीज़ और मैं ये भी बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ हिंदी में पास शब्द का यूज़ हो वहीं पर हैज़ या हैव लगेगा। जैसे अगर मैं कहूँ तुम्हें एक बाइक है, तो तुम्हें एक बाइक का मतलब भी होता है तुम्हारे पास एक बाइक है, ठीक है। तो वहाँ भी हम जैसा सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा तो हैज़ लगाएंगे। तो यहाँ यू है, यहाँ आई और यू सिंगुलर प्रोनाउन में आता है, आई और यू। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यू हैव अ रेड बाइक। तो हम क्या लिखेंगे, यू हैव अ रेड बाइक, तुम्हारे पास रेड बाइक है, लाल बाइक है। और अगर तुम्हारे पास कार नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, तो यू हैव नॉट अ कार, ये लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इसका नाम है रीना और इसका नाम है रोहित। तो हम क्या लिखेंगे, रीना एंड रोहित हैव नेट्स, क्योंकि दो नेट्स है तो नेट भी हमारा प्लूरल हो जाएगा और हैव का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन हैं इसलिए, ठीक है। हमने लिखा रीना एंड रोहित हैव नेट्स। अब देखिए जब भी नेम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है जब भी, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने रीना में कैपिटल आर और रोहित में भी कैपिटल आर लिखा है, तो रीना एंड रोहित हैव नेट्स। अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि उन लोगों के पास टॉयज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉय हैं, कार हैं और पता नहीं क्या क्या खिलौने रखे हुए हैं, तो उन लोगों के पास टॉयज़ हैं, तो हम उन लोगों के पास तो दे का यूज़ करेंगे, TH EY दे, ठीक है। दे हैव टॉयज़, दे हैव टॉयज़। अब देखिए यहाँ टॉय है प्लूरल है तो इसमें एस लग गया है, ठीक है। उसी तरह अगर बहुत सारे थिंग्स हो जैसे कार बाइक, हम जनरली कहते हैं ना कि कार के चार पहिए होते हैं, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, कार्स हैव फोर व्हील्स, या फिर बाइक्स हैव टू व्हील्स। बाइक्स यहाँ लग गया, बहुत सारे बाइक होते हैं, बहुत सारी कारें होती हैं, तो कार्स हैव टू, सॉरी, तो कार्स हैव फोर व्हील्स, बाइक्स हैव टू व्हील्स, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। जब एक ही थिंग हो तो वहाँ हैज का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि ही सी इट और नेम के साथ हैज़ का यूज़ होता है और आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ होता है। और ये भी हमने जाना कि ज़रूरी नहीं है कि पास शब्द का ही यूज़ हो किसी भी सेंटेंस में। अगर किसी के बोलने से ये पता चलता है कि उसका अर्थ है उसके पास, तो उसमें हम हैज़ या हैव लगाएंगे। जैसे कहूँ कि मेरी दो बेटियाँ हैं, ठीक है, तो मैं कैसे इसे बोलूँगी, आई हैव टू डॉटर्स, ओके। यहाँ पे मैं हैव का यूज़ करूँगी, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास दो बेटियाँ हैं, मैंने कहा मेरी दो बेटियाँ हैं। तो इस तरह से अगर हमें सेंटेंस को देख करके पता चले तो वहाँ हैज़ या हैव का यूज़ कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब बटन रेड कलर में है उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।